ये पूरा मामला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिव मंदिर सत्यनारायण की टेकरी घोसीपुरा का है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना काल के बाद कक्षा 1 से 8वीं तक ये गाइडलाइन दी गई थी कि बच्चों को टीचर चौपाल लगाकर घर घर जाकर पढ़ाए, लेकिन विद्यालय के टीचर उनको पढ़ाने नहीं जाते हैं। यही नहीं, पढ़ाना तो दूर रहा, स्कूल खुलने का समय प्रातः 10:30 बजे का है, लेकिन स्कूल 12 बजे तक नहीं खुलता। जब हम स्कूल गए तो वहां पर हमें ताला लगा मिला और हमने जब वहां के प्राचार्य से पूछा तो उनको ये मामला संज्ञान में नहीं था, क्योंकि वह खुद कोरोना कल से स्कूल ही नहीं गए हैं। क्योंकि वह खुद स्कूल ही नहीं गए कल से। वह शासकीय माध्यमिक विद्यालय जनकगंज स्कूल के प्राचार्य हैं और सत्यनारायण की टेकरी वाले शिव मंदिर स्कूल उसके भी प्राचार्य हैं। हम आपको बता दें कि स्कूल में हाजिरी देने के लिए भी महीने में 30 दिन की जगह 8 दिन आते हैं, लेकिन रजिस्टर में 30 दिन की लगा देते हैं। विद्यालय में टोटल 8 टीचर और 2 बाइयां हैं। टीचरों ने आपस में साठ गांठ करके प्रतिदिन अल्टरनेट 2 टीचर आते हैं, बाकी 6 गैर हाजिर रहते हैं। इस तरह बदल बदल के 2 टीचर अल्टरनेट आते हैं, वह बाकी एब्सेंट रहते हैं। जब हमारी टीम ने वहां के बच्चों से पूछताछ की तो बच्चों के पालकों ने बताया कि वहां काम करने वाली दोनों बाई से पूछा तो पूरी घटना उन्होंने मीडिया के सामने बताई। अब देखना यह है कि शिक्षा अधिकारी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे। क्यों स्कूल रोज खुलता है?